सो व्हाट इज अप गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज हरीसा लुंगी और आप देख रहे हैं हरीसा लुंगी को। आज कितने टाइम के बाद मैं अपने रूम में बैठ के अपना व्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ। बेसिकली राइट नाउ आई एम जस्ट सिटिंग ऑन माय चेयर एंड आई फाउंड आउट अ वेरी इंटरेस्टिंग फूड आइटम इन वडोदरा सिटी विच इज़ वेरी क्लोज टू माई हाउस। सो अभी मैं वही जाने वाला हूँ। सो आई थॉट कि क्यों ना इसके ऊपर वीडियो बनाया जाए एंड आप लोगों को भी बताया जाए, क्योंकि ये जो फूड आइटम है वो फर्स्ट टाइम इन वडोदरा है। उससे पहले मैंने नहीं देखा था कि है कभी। मैंने दिल्ली के वीडियो देखे, मुंबई के वीडियो देखे कि ये सारी चीज़ें वहाँ पर मिलती है। सो राइट नाउ आई एम गोइंग देयर टू ईट दैट थिंग। सो फटाफट से चलते। सो राइट नाउ आई रीच दैट फ्रेंको विच इज लोकेटेड नियर डेरिडन सर्कल एंड एग्जैक्ट ये MS यूनिवर्सिटी के सामने आया हुआ है। तो हम लोग यहाँ पर आए हैं पनीर चाप खाने के लिए फॉर द फर्स्ट टाइम। मैंने आज तक कभी नहीं खाया है एंड विच इज आई डोंट नो कि उसका टेस्ट कैसा होगा, बट आई कैन ट्राई एंड आई विल डेफिनेटली टेल यू उसका टेस्ट कैसा है एंड कैसा है। अगर आप लोग ट्राई करना चाहते तो यहाँ पर आ सकते हैं या नहीं। सो लेट्स गो एंड उनको पूछते हैं कि क्या प्राइजेस वगैरह है एंड सब। तो यहाँ पर मैंने ऑर्डर किया है पनीर पेरी पेरी। भैया पनीर पेरी पेरी में क्या क्या आता है इंग्रेडिएंट्स? पेरी पेरी मसाला आएगा। ओके। और थोड़ा चटपटा रहेगा, स्पाइसी लगेगा थोड़ा। अच्छा, और पनीर रहेगा, वेजिटेबल रहेगा। ओके, ये सब कुछ फ्रेश रहता है यहाँ पर? फ्रेश। तो ये प्रोसेस को क्या बोलते हैं भैया? अभी हम इसको पनीर को ग्रिल कर रहे हैं। पनीर को ग्रिल। ओके, कितने टाइम के लिए? ये बस 5 मिनट। हमारा पनीर पेरी पेरी चाप 5 मिनट में नहीं लगे और उससे पहले रेडी हो चुका है और दिखने में तो बहुत डिलीशियस लगता है। अब इसको टेस्ट करते हैं। मैं अकेला आया हूँ तो थोड़ा डिफिकल्ट पड़ रहा है व्लॉग करने में, तो टेस्ट करते हैं फटाफट से कैसा लग रहा है। एंड मैं बहुत एक्साइटेड हूँ खाने के लिए। पनीर की चीज़ें आई वेरी मच लाइक इट। टेस्ट करते हैं। अगर आप लोग स्पाइसी के फैन हैं तो आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्पाइसी एंड एकदम चटपटा है। खाने में बहुत मज़ा आ रहा है, पर मैं थोड़ा 2-3 खाता हूँ फिर आपको बताता हूँ। और ऐसा लग रहा है कि पनीर अच्छी तरीके से ग्रिल हुआ है एंड टेस्ट भी बहुत ज़्यादा अच्छा आ रहा है। सच में बहुत मस्त लग रहा है। तो सर आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम गौरव शर्मा है। सर बहुत नर्वस है अभी, क्योंकि पहली बार उनको ऐसा कोई इंटरव्यू देना पड़ रहा है एंड इट्स नॉट अ टाइप ऑफ इंटरव्यू, ये नॉर्मल वीडियो है, आप एकदम चिल हो जाए। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात ही नहीं। ये यहाँ के ओनर है। सो सर ये आपने शॉप कब स्टार्ट की यहाँ पर? ये हमने 2020 में चालू किया। अच्छा, फिर 2020 में मार्च में समथिंग। अच्छा, ऐसा समझो कि कोरोना से 20 से 25 दिन पहले। ओके। जो मेन कोरोना का वो चालू हुआ था कोविड का। ओके। उसके बाद बंद रहा था कुछ दिन, फिर दोबारा से चालू किया, फिर कोरोना आया। बस ऐसे ही जब से कोरोना आया उससे 20-25 दिन पहले चालू किया था। अच्छा। और ये अपना चाप का जो दिल्ली का फेमस आइटम है, यहाँ पे बड़ोड़ा में एक दूसरी जगह भी किसी ने चालू किया था, पर अपना ये फर्स्ट टाइम वडोदरा में सबसे पहले ऐसा बोल सकते हैं कि आपने चालू किया है। ओके। और आपका मेन पर्पस क्या था? मतलब आप प्रॉपर यहाँ से वडोदरा से ही है? नहीं, मैं बड़ोड़ा से नहीं हूँ। मैं राजस्थान से हूँ। राजस्थान से।
तो आपका मतलब मेन पर्पस था क्या था ये चाप बनाने का, मतलब फर्स्ट टाइम यहाँ पर चालू करते ऐसा? ये पर्पस ऐसा था, बड़ौदा में ये आइटम था नहीं कहीं, था नहीं था, तो मेरा बड़ा भाई है मनीष शर्मा, ओके, उन्होंने चालू किया यहाँ पे, देखा कि जो आइटम यहाँ पे पहले कहीं पे दिखा नहीं, ओके, तो उन्होंने आइडिया किया कि ये चालू बड़ौदा के अंदर चालू करते हैं, ओके। रिस्पॉन्स भी काफी अच्छा है, अच्छा है। बाकी ये कोविड की वजह से थोड़ा सा अप डाउन चल रहा है। आपका एड्रेस बता दीजिए एक बार। प्रोग्राम ये डेरिडेन सर्कल सयाजीगंज असुमेघ कॉम्प्लेक्स, ओके। और ये टाइमिंग क्या चालू रहता है? टाइमिंग सुबह 10:30 से रात को 11:30-12 तक का रहता है, okay। और जो बारबेक्यू का आइटम है वो अपना 5:30-5 चालू होता है, बाकी फ्रेंकी सैंडविच वगैरह ये सब सुबह चालू हो जाता है। तो एक बार मस्ट विजिट कीजिए, क्योंकि मतलब नई नई जो जिसको मतलब फूड आइटम खाने के, वडोदरा में वैसे फूडी पीपल बहुत है, तो एक बार ज़रूर से ट्राई करना चाहिए। ये आइटम भी, पनीर चाप भी है, पनीर टिक्का भी है, तंदूरी भी है, बारबेक्यू भी है, सैंडविचेस भी है, सो ज़रूर से एक बार ट्राई करिए। ठीक, अभी मेरे को लगता है कि मैं फूड ब्लॉगर ही बन जाऊँ, क्योंकि मैं वडोदरा में रह के इतने फूड आइटम्स कवर करता हूँ ना, लाइक सीरियसली मेरे को खुद को नहीं पता होती है कि वडोदरा में इतनी फूड आइटम्स है, एंड मैं कवर करता हूँ तो मुझे पता चलता है, एंड मैंने खाया, टेस्ट भी एक नंबर था टेस्ट। तो ज़रूर से अगर डेरी डैन वाले रास्ते, और एमएस यूनिवर्सिटी एकदम सामने है, तो एमएस यूनिवर्सिटी के कुछ बच्चे मेरा व्लॉग देख रहे हैं, तो प्लीज़ ज़रूर से एक बार ट्राई करिए एंड वहाँ पर जाइए प्लीज़। सो फाइनली आई रीच डैट होम, एंड एक्चुअली आज ना एक मैं सीन बताता हूँ कि मुझे वीडियो एक बनाना था एक अलग टॉपिक पर, और वो एक्चुअली कैंसिल हुआ। सो मुझे हरी में कुछ कंटेंट ढूंढना था, और ये कंटेंट मेरे दिमाग में था, सो आई थॉट के क्यों ना उसको आज ही कवर कर लेते हो, जो दूसरा जो टॉपिक है उसको कल सुबह ले लेंगे, ऐसा हुआ। तो डेली व्लॉगिंग में ऐसा सीन होता रहता है, बट कोई नहीं, हमने कवर अप कर लिया है। दूसरी बात के अभी मैं जा रहा हूँ, मतलब मैंने वहाँ पर इतनी चाप नहीं खाई, मैंने पार्सल करवा लिया, अभी घर पर खाऊँगा रात को एडिटिंग के वक्त पे। मैं जा रहा हूँ अभी लक्ष्मी फिल्म सिटी फॉर फैमिली डिनर, तो मैं आपको लक्ष्मी फिल्म सिटी का आज अंदर से दिखाने वाला हूँ कि कैसी है वडोदरा में जो फिल्म सिटी है हमारी, क्योंकि आज तक किसी ने दिखाई भी नहीं होगी शायद से। सो मैं आज दिखाने वाला हूँ, एंड आई एम वेरी एक्साइटेड टू गो इन लक्ष्मी फिल्म सिटी। We reached at Lakshmi Film City and abhi chalte hain andar. I mind my own, I don't even break a sweat. तो ये कुछ बाहर का इलाका है, ऐसा पूरा लॉन वगैरह है, अच्छा लग रहा है रात के टाइम पे यहाँ पर, और काफ़ी ज़्यादा पब्लिक भी है। लेट्स सी हमारा नंबर कब तक लगता है। बाकी ये फिल्म सिटी जब तक मुझे पता है सिर्फ मूवीज़ के लिए यूज़ होती है, यहाँ पर पूरा सेट बनाया हुआ है, मेजोरिटी गुजराती मूवीज़ यहाँ पर ही शूट होते हैं। देखो आज के वीडियो में मैं दिखाना और कुछ चाहता था, पर दिखाया ये। सो इफ़ अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मिलते अगले वीडियो में, ऑल फॉर द डे, गुड बाय माय फ्रेंड।